नींद को ध्यान में कैसे बदले, बहुत कॉमन क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स का कि जब ध्यान में बैठे होते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जागने के बाद लगता है कि मैं सो गया था। जब बॉडी मूवमेंट होता है तो लगता है मैं सो गया था, फिर मन में गिल्ट आता है कि ध्यान कर भी रहा था मैं कि सो गया था। बहुत बार ऐसा होता है ना, यहाँ तक कि देखो ज्यादातर हम लेट करके ध्यान कर रहे होते हैं या दीवार से टिक करके बैठ के ध्यान कर रहे होते हैं या फिर रीढ़ की हड्डी सीधी करके भी हम ध्यान कर रहे हैं, तो धीरे से हम ऐसे लटक जाते हैं कि शरीर निढाल हो जाता है और उस समय हमें रियलाइज होता है कि शायद मैं सो गया था या मैं ध्यान कर रहा था, क्या हो रहा था। बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, कमेंट्स में आप पूछते हैं, मेरी क्लासेस में आप लोगों से पूछा जाता है, तो इसका ना बहुत प्यारा आज आंसर बताऊंगा बेटा। सबसे पहले बात जान लो कि मन से ये बात हटा दो कि ध्यान के समय नींद आ गई थी क्या। नहीं, अगर ध्यान की अवस्था में नींद आई है तो वो भी ध्यान है, वो नींद नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इवेंचुअली नींद भी एक ध्यान ही है, सूक्ष्म स्तर पर ही सही नींद भी एक ध्यान है। प्राकृतिक तौर पर परमात्मा ने, प्रकृति माता ने ये बनाया है कि भैया तुम शांत हो जाओ, तुम शून्य हो जाओ और उस टाइम मैं तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को रिपेयर करूंगी। जिस समय आप सोते हैं उस समय वही सारी चीजें होती है जो ध्यान में हो रही होती है। आपका शरीर हील हो रहा है, आपका मन हील हो रहा है, आपकी आत्मा हील हो रही है। तो ये बात दिमाग से हटा दो कि कहीं मैं सो तो नहीं गया था। सोना और ध्यान दोनों एक ही बराबर है। अब समझते हैं कि हम अपने नींद को ध्यान में कैसे बदले। कि भाई ध्यान में तो नींद आ गई, तो क्या नींद में ध्यान आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका कि सोने से पहले ही हम ध्यान करें, सांसों पे ध्यान लगा करके ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जाप करके ध्यान कर सकते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स जो कई सारी होती हैं, कई सारी टेक्निक हमने सीखे हैं समझे, अफर्मेशन करके कर सकते हैं, पावर ब्रीदिंग करके कर सकते हैं। शरीर में जैसे ही हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देंगे, फिर वो पावर ब्रीदिंग के थ्रू हो, कपालभाति प्राणायाम के थ्रू हो या किसी भी प्राणायाम के थ्रू हो, हम जैसे ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देते हैं तो अपने आप मिथली आनी शुरू हो जाती है, शरीर झूमने लगता है जैसे कि कोई नशा कर लिया हो। और उस समय आपने खुद को आदेश दिया कि अब मैं शून्य में हो रहा हूँ, अब मैं शून्य में जा रहा हूँ, अब मैं ध्यान में जा रहा हूँ। और जब आप ध्यान में चले जाएंगे तो आप नींद से के उस पार चले जाएंगे। मतलब उस पार कहने का मतलब नींद तो है ही, आप नींद से आगे चले गए। बिल्कुल ऐसा समझना कि एक लोटा पानी जब समुंदर में मिलता है, एक लोटा पानी जब समुंदर में मिलता है तो वो एक लोटा पानी नहीं रह जाता, वो स्वयं समुंदर हो जाता है। पकड़ में आ रही है बात? भक्त जब परमात्मा से मिल जाता है तो भक्त नहीं रह जाता, वो परमात्मा हो जाता है, वो परमात्मा में ही समा जाता है। मिट्टी का घड़ा टूटने से पहले और टूट जाने के बाद सिर्फ मिट्टी है। आ रही बात समझ में? तो नींद ध्यान से थोड़े पहले की अवस्था है। थोड़ी मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जो ध्यान में 10-15 मिनट में हो जाना है, आधे घंटे में हो जाना है, वही चीज रोज नींद में 6 घंटे में होती है। तो नींद को हम ध्यान में हमेशा बदल सकते हैं। एक तरीका मैंने बता दिया, अब दूसरा तरीका समझो। ये योगियों का तरीका है, ये माइंडफुलनेस में रहने वालों का तरीका है, ये लॉन्ग टर्म तरीका है जो रोज अपने आप हो जाएगा। कैसे? पूरे दिन जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास कर रहा है उसका नींद भी ध्यान ही होगा, वो नींद से आगे ही होगा, वो जैसा चाहेगा वैसा रहेगा। क्यों? समझना, सपने भी उसके ध्यान की तरह होंगे। जो इंसान माइंडफुलनेस में है कि ये चीज़ यहाँ से गुजरी है, ये मैं साक्षी भाव से देख रहा हूँ, जैसे गाड़ी सड़क किनारे आप खड़े होकर के सारे गाड़ियों को आते जाते देखते हैं साक्षी भाव से, ये गई नीली वाली गाड़ी, वो गया हरा वाला गाड़ी, वो गया सफ़ेद गाड़ी, सब चीज़ हो रहा है आपके सामने, आप उसके साक्षी हैं, आप उसके दृष्टा हैं, माइंडफुल है,
माइंडफुलनेस है, मतलब कि आप बिल्कुल अवेयर हैं। तो अगर जागे हुए समय में अवेयर रहेंगे तो सपने के समय में भी, नींद के समय में भी वो अवेयरनेस बना रहेगा। और अगर आप अवेयरनेस में हैं, हर चीज को देख रहे हैं, हर चीज को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये चीज आप चाह के नहीं कर रहे, ये अपने आप हो रहा है, तो समझ जाइए आप ध्यान में ही है, नींद के समय ध्यान में ही है। दो अवस्था होती है, या तो आप सब चीज को देख रहे हैं या तो आप कुछ नहीं देख रहे हैं, यानी कि या तो आप पूरी तरह से हैं या तो बिल्कुल नहीं है। मतलब कि या तो आप ध्यान की अवस्था में कि आप ध्यान दे रहे हैं, या तो आप समाधि की अवस्था में जहां आप है ही नहीं, जहां कोई नहीं है, जहां कुछ भी नहीं है, जहां स्वयं आप भी नहीं है, ना आपकी सांसें हैं, ना आपका विचार है, ना परमात्मा है। परमात्मा तो हर जगह है लेकिन आपको किसी चीज का आभास नहीं है। वापस आने के बाद पता चलता है कि आप तो परम के साथ थे, आप परम में थे। ऐसा होता है ना कि जब हम अंदर होते हैं तो हमें पता नहीं होता है क्या है, मिथ्या है सब चीज, ऐसा लगता है। जब सब कुछ जान जाते हैं, जैसे कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे उगते हुए सूरज को हम देखते हैं और खुश होते हैं कि सूर्य देवता आ गए, है ना, सूर्य देवता आ गए। डूबते हुए सूरज को देख के हम सोचते हैं सूर्य देवता चले गए, राइट। लेकिन ये सिर्फ हम जो देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, ये उतनी सी सच्चाई है, क्योंकि हमें यही दिख रहा है। सत्य का ज्ञान तब होता है जब आप दूर निकल के, वहां से बाहर निकल के आ करके देखेंगे कि आपको पता चलेगा ना सूर्य देवता गए थे ना वो आए हैं, वो है वहीं पे, पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है, पृथ्वी घूम रही है और सूर्य देवता के चक्कर लगा रही है, यानी कि हम सूर्य देवता के आसपास घूम रहे हैं। दिस इज अ रियलिटी। तो अपनी रियलिटी से बाहर निकलने के बाद आप द रियलिटी को पहचान पाते हैं। समझ में आया? थोड़ी महंगी बात है, थोड़ी समझदारी वाली बात है, मैं इतनी समझदारी वाली बातें जरूरी नहीं करता हूँ, मतलब आसान भाषाओं का प्रयोग करता हूँ। दो तीन बार समझोगे देखोगे तो समझ में आएगा। कुछ चीज़ें अनुभव से आती हैं, कुछ चीज़ें गुरुओं के साथ रह करके आती है, धीरे धीरे ध्यान के अभ्यास में ये चीज़ें समझ में आएगी। कभी भी ध्यान के समय अपनी नींद को ये मत समझना कि नींद था, वो ध्यान ही था। इसका फायदा उठाइए कि नींद के समय ध्यान में जाइए। और मन का क्या है, मन से तो आपको पूछना है कि क्या हो रहा है, वो तुरंत बताएगा आपको क्या हो रहा है। नॉर्मली आप अपने जीवन में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो बहुत सारे विचार आ रहे हैं, जा रहे होते हैं। जब आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो चल रहे हैं। एक बार ध्यान देके अपने मन से पूछो, क्या सोच रहा है भाई? अच्छा, गाड़ी के बारे में सोच रहा है, बंगले के बारे में सोच रहा है, उधार के बारे में सोच रहा है, वो क्या कर रही होगी उस बारे में सोच रहे हो, वो क्या कर रहा होगा उस बारे में सोच रहे हो। आपका मन आपको तुरंत रिपोर्ट देगा। जैसे ही आप रुके और अपने मन से पूछा, हिसाब दे क्या कर रहा है, वो आपको तुरंत हिसाब देगा। वो आपका गुलाम है, आपने उसे कोई काम नहीं दिया है, इसलिए वो रैंडमली हर जगह को चेक कर रहा होता है हर समय। और ध्यान ना देने से विचार और ज्यादा बढ़ते हैं, ध्यान ना देने से विचार और ज्यादा बढ़ते हैं। तो किसी भी एक जगह पे आप ध्यान रोके और ध्यान दे, ऊर्जा वहीं बहनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रहे, मैंने ये कई बार कहा है कि जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। और अंततः अगर आप देखेंगे तो तीन ही चीज दिमाग में चल रही होती है जो आपको अवेयर होने नहीं दे रही है। क्या? इच्छा, विचार और अहंकार, डिजायर, थॉट एंड ईगो, यही तो चल रहे होते हैं। आप या तो अपनी ईगो में फंसे हुए हैं, या तो अपनी इच्छाओं में फंसे हुए हैं, या अपने विचारों में फंसे हुए हैं। बस इतनी सी बात है। श्री कृष्णा ने भगवद गीता में सिखा दिए हैं सारी बातें, लेकिन हम पढ़ते कहाँ हैं? हमें तो बस हाथ में ऐसे पकड़ के फोटो खिंचाने में मजा आता है ना? तो कभी कभी खोल भी लिया करो जी, बहुत सारी शिक्षाएं रखी हुई है इसमें। नींद आपके लिए वरदान है, परमात्मा का दिया हुआ, इसका सदुपयोग करें। कुछ मत करो, शुरुआत सिर्फ अफर्मेशन से करो कि रात को सोने से पहले कुछ अच्छी बातें बोलते हुए सो। नहीं समझ में आता, सेल फोन लो, रिकॉर्ड करो कुछ अच्छी बातें, है ना, मैं सुखी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं सर मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा, ऐसा कुछ अच्छी बातें रिकॉर्ड करो, कान के पास लगा दो, उसको सुनते 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 सो जाओ। देखना पूरी रात वही दिमाग में चलता रहेगा और सुबह जब उठेंगे तो उन्हीं विचारों के साथ उठेंगे, तो नींद तो ध्यान में बदल गया है ना जी। चलिए, ये अध्याय तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए
नमस्ते है जी।